हमारे साथ जुड़ने के लिए किसी भी वीडियो के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब को अभी दबाएं और इसको दबाने के बाद इसके साथ लगी बेल को भी दबाएं ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप खास नवरात्रि के पावन अवसर पर होने वाले वशीकरण के बारे में जानेंगे। यह वशीकरण सबसे पवित्र और सबसे प्रचंड माना जाता है। इस वशीकरण में इस्तेमाल होने वाला जो सामान है, जो सामग्री है, वो बहुत ही अनमोल है। वो सामग्री है आपका विश्वास। मित्रों, इस 9 दिनों में इस विधि को करने के लिए व्रत रखना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि व्रत रखना अनिवार्य है। अगर उस कारण को जानने के लिए जाएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। इसके लिए आपको माला रुद्राक्ष की चाहिए, आसन लाल चाहिए और दिशा पूर्व होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा मित्रों, यह उपाय आप अपने मंदिर में भी बैठकर कर सकते हैं। इसमें कोई गलत कार्य नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा और पवित्र कार्य है। और माला जो आपने लेनी है उसका संस्कार बहुत ही जरूरी है। माला का संस्कार जिन व्यक्ति को नहीं पता कि किस प्रकार किया जाता है, या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पता ही नहीं कि माला का संस्कार होता क्या है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर उस लिंक को दबाकर माला के संस्कार की वीडियो देख सकती हैं। अब आते हैं अपनी इस वीडियो पर और जानते हैं किस प्रकार आपने यह उपाय करना है। मित्रों, सबसे पहले आपको फोटो चाहिए दो, एक आपकी और एक आपके साथी की, जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, यह उपाय दोनों ही कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, दोनों फोटो को अपने हाथ में रखिए। अब अपने साथी की फोटो पर इस प्रकार लाल तिलक लगाना है आपने, जिस प्रकार इसमें स्त्री की फोटो पर लाल तिलक लगाया जा रहा है, ठीक इसी प्रकार आपने लाल तिलक अपने साथी की फोटो पर लगाना है। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष की फोटो पर लगाएंगे, और अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री की फोटो पर लगाएंगे। अब अपने साथी की फोटो पर जो आपने तिलक लगाया है, उसी तिलक में से कुछ अंश लेकर अपनी फोटो पर भी लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब अपनी फोटो पर तिलक लगाएंगे तब आपने जो तिलक लेना है वह अपनी साथी की फोटो से ही हल्का सा लेना है। दोबारा से आपने तिलक में अपनी उंगली नहीं लगानी, अपने साथी की फोटो में से ही तिलक लगाकर अपनी फोटो पर लगानी है। अब इसके बाद दोनों फोटो के चेहरे आपस में मिलाकर उनको कलावे से बांध देना है। यानी आपने जो फोटोएं ली है वो फोटो इस प्रकार लेनी है जिसमें उनके चेहरे एकदम सामने दिख रहे हो। अब जो तिलक आपने लगाए थे दोनों की फोटो पर, वह दोनों तिलक आपस में मिलाकर, यानी दोनों फोटो को आपस में मिलाकर ऊपर से उसको कलावे से बांध देना है। कलावे से बांधते वक्त आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप उसको बांधेंगे तो 7 बार फोटो के ऊपर से उस कलावे को घुमाना है। यानी 7 राउंड कलावे के उसके ऊपर बांधने के लिए लगाने हैं आपने। यह फोटो माता रानी के चरणों में रख दीजिए और जाप शुरू कीजिए। इसमें जप का समय ब्रह्म मुहूर्त में है और 7 माला रोजाना करनी ही करनी है। यानी 9 के 9 दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही जाप आपने करना है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30-4 बजे से लेकर 5:30-5:30 बजे तक, इस समय के अंदर अंदर ही आपने जाप करना है और रोजाना 7 माला करनी ही करनी है। यानी 108 दानों की, 108 मनकों की जो माला आपके पास है
वह 7 बार फेरनी है। तो आइए चलते हैं और जान लेते हैं उस मंत्र के बारे में। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम चामुंडे कुर्रेम दंडे अमुक हृदय मम हृदय मध्य प्रवेशाए 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 स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से आराम से, ओम चामुंडे कुर्रेम दंडे अमुक, अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम आपने लेना है, हृदय मम हृदय मध्य प्रवेशाए 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 स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण आपने 108 मनकों की माला 7 बार करनी है। इसी प्रकार से जब नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण हो जाएंगे तो आपकी विधि का भी आखिरी नियम जो आपने करना है वह इस प्रकार है। जो दोनों फोटोएं आपके पास थी, आपकी और आपके साथी की, उनको ले जा करके जल में प्रवाहित करना है और माता रानी को पंचमेवे का प्रसाद चढ़ाना है। पंचमेवा जैसे काजू बादाम किशमिश मखाने मिश्री, इस प्रकार से जो भी आपसे हो सके वह पंचमेवे का प्रसाद थोड़ा बहुत ही माता रानी को अवश्य चढ़ाना है और उनसे विनती करनी है कि आपके इस कार्य को सही सलामत पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शीघ्र अतिशीघ्र इसका उचित फल भी आपको प्रदान करें, अवश्य ही इसके चमत्कारी प्रभाव आपके सामने आएंगे ही आएंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। स्वामी जी द्वारा किसी भी प्रकार की मुफ्त सलाह के लिए सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक और हर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस भविष्य में भी देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ओम नमो नारायण तथा स्वामी जी वीडियोस को अभी सब्सक्राइब करें। ज्यादा मुश्किल नहीं है मित्रों, सिर्फ इस फोटो को दबाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।